चलो, और जहां पे भी आप बैठे हो सिट कंफर्टेबली, ओके। जैसे पहले आपने अपना ब्रेथ की तरफ ध्यान दिया, उसी तरह से प्लीज ब्रिंग बैक योर अटेंशन बैक टू योर ब्रेथ। और अब आपको जो है क्या ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही आप ब्रेथ लेते हो, आप श्वास लेते हो, तो आपकी बॉडी कैसे मूव होती। तो श्वास जो है वो आपके शरीर के थ्रू जा रही है, तो ब्रेथ का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है ना, हम श्वास लेते हैं, हम श्वास छोड़ते हैं, राइट। सो जैसे अपनी बॉडी में करते हो, तो किस तरह से वो ब्रेथ जो है वो आपके शरीर में से कैसे जा रही है, घूम के जा रही है, सीधे जा रही है, आगे पीछे जा रही है। सो जस्ट फील द सेंस ऑफ हाउ द ब्रेथ इज गोइंग, ओके। अभी फिर से अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई टेंशन है, दिमाग, हृदय या कोई भी साइड ऑर्गन्स में, जहां पर भी आपको अभी भी टेंशन है जो कि आपने इस शरीर में अपने रोकी हुई है, जैसे ही आप ये ब्रेथ को करते हो, वो टेंशन धीरे धीरे जैसे कि एक रस्सी खुल जाती है, वैसे ही आपकी टेंशन रिलीज हो रही है जैसे जैसे ये ब्रेथ आपके अंदर शरीर में जा रही है। तो आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे बहुत रिलैक्स फील कर रही है, काम फील कर रही है। अब आपको पूछना है अपने दिमाग से, आप कनेक्ट करिए अपने दिमाग से और पूछिए कि क्या इशू है, क्या कंसर्न है जो उसको तंग कर रहा है। क्या आपको, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा अपने दिमाग से, अभी तक तो आपका दिमाग आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछता है, बहुत बार वो आपको बहुत सी चीजों में टोकता है, मना करता है, कहता है यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर। आज आप अपने दिमाग से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई दिमाग मुझे बता, आखिर ये टेंशन है क्या, क्यों मैंने ये टेंशन पाली हुई है, क्यों मेरे शरीर में मुझे ये स्ट्रेस फील हो रहा है, आज मैं तुझसे जानना चाहता हूं। और रुकिए और देखिए क्या आपका दिमाग आपको जवाब दे रहा है। आप उससे फिर से पूछ सकते हैं। अगर पहली बार में आपको कोई आंसर नहीं मिला, तो आप फिर से उससे पूछिए, ये क्या टेंशन है, क्यों हो रही है, किस वजह से है, किस कारण से है, और क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूं। तो अब आप जब ये पूछ रहे हैं, तो आप उससे ये भी पूछ रहे हैं कि इसको भैया, जब तूने इसको पाला है, तूने इसको रखा है, मेरे शरीर में ये है, तो मुझे ये भी बता कि मैं इससे कैसे डील करूं, किस तरह से मैं इससे बाहर निकलूं। ये आपको प्रश्न अपने दिमाग से दो तीन बार पूछ रही। तो आप पहली बार पूछिए, ऐसा क्या इशू है, ऐसा क्या कंसर्न है, मुझे बताओ। और जैसे ही वो आपको इशू समझ में आता है कि हाँ ये इशू है, इसकी वजह से ये टेंशन है, अब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि कैसे मैं डील करूं, किस किस तरह से मैं इस इशू से बाहर निकलूं। फिर आपने पहली बार पूछ लिया, अब आप दूसरी बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगेन आपके दिमाग में हो सकता है इसका आंसर पहली बार में नहीं आया, अब क्या सेकंड बार आ रहा है, और क्या उपाय करना है, क्या वो इस समय समझ में आ रहा है। अगर आपको इस बार भी कोई चीज नहीं समझ में आई, अब आप तीसरी बार यही प्रश्न पूछिए, ये लास्ट टाइम है जब आप पूछ रहे हैं। सो आस्क योर ब्रेन कि क्या थॉट्स है, क्या इश्यू है, क्या कंसर्न है जो कि मैं आज कैरी कर रहा हूं, और इसको मैं कैसे निकालूं। हो सकता है अब तक आपको इसका आंसर मिल गया,
और अगर आंसर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक बड़े से खेत खलियान में खड़े हैं। कितना सुंदर खेत है, हरा हरा। हो सकता है भुट्टे भुट्टे उगे हों, गेहूं है, चावल है, क्या उगा है, किसका खेत है, या फूल है। फूल ही फूल है। जो भी खेत दिखाई दे रहा है आपको, जो भी एक गार्डन है, क्यारी है, जिस तरह का भी दिखाई दे रहा है, अब आप उसके अंदर चलिए। और जब आप उसके अंदर चल रहे हैं और आप सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही विशाल बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा। उसका स्टेम तलवा इतना मोटा है, उसकी सारी ब्रांचेस इधर उधर फैली हुई हैं। कितना हरा भरा पेड़ है, किसका पेड़ है, आम का, नीम का। अब आप सोचिए कि आपने एक किताब ली है अपने हाथ में, क्योंकि आपको लिखना है, आपको सब डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस तरह का पेड़ है, किस फल का पेड़ है, किस औषधि का पेड़ है, अगर पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वट का पेड़ है, आम का है, डेट्स का है, कैसे उनकी अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। आपने बहुत बार देखी हैं, आपको पता है आम की पत्ती कैसे लगती है, नीम के पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं, तो वो देख के आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह का पेड़ है, कितना बड़ा है, क्या बहुत बड़ा, बहुत फीट, बहुत ऊंचा है, उसकी शेप कैसी है, क्या वो बहुत फैल गया है। तो सारी डिटेल आप अपने ये किताब में लिख रहे हैं। आप उनकी लीव्स को पकड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो पत्तियों को आप ध्यान से देखिए, उसके स्टेम के ऊपर हाथ रखिए, खुरदरापन महसूस करिए, ब्राउन है, ग्रीन है, किस तरह का स्टेम है। अगर बहुत पुराना पेड़ है तो हो सकता है पूरा ब्राउन हो सकता है उसका थोड़े सर्कल्स हो जिससे कि उसकी एज पता चलती है, हो सकता है उसकी वुड थोड़ी जगह से निकल गई हो, कुछ जगह पे हरा हो, कुछ जगह पे ब्राउन हो। अब आप शांति पूर्वक उस पेड़ के बारे में सब जान चुके हैं, अब आप उस पेड़ की छाया में बैठ जाए, तो आप उसके पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए, उसकी छाया आपको मिल रही है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप उसके रूट्स को देख सकते हैं, जबकि रूट्स अंदर हैं, लेकिन बाहर भी शायद उसके कुछ रूट्स आपको नजर आ रहे हों, या मिट्टी पे आपको फील हो रहे हों। किस तरह से पेड़ जो है वो अपने इन रूट्स के द्वारा मदर अर्थ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, कौन उसको पानी देता है, किस तरह से सूरज की रोशनी उस पे पेड़ पे पड़ती है और वो उसको मदद करती है ये फोटोसिंथेसिस में। तो इस सब पे ऊपर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान जाएगा किस तरह से वो ऑक्सीजन देता है, तो आपको वो जो एयर मिल रही है, हवा मिल रही है, कितनी उसमें प्योरनेस है, क्योंकि वो अपने अंदर वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और वो बाहर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है जो कि जिसकी आपके शरीर को जरूरत है, जो आपको जीवन प्रदान करती है। आप जल्दी में नहीं है, आप आराम से बैठे हैं, हर चीज का ध्यान दे रहे हैं,
अभी तक आपको कभी समय नहीं मिला था कि आप ये चीजों पे ध्यान दे सके, लेकिन आज जब समय है तो आप हर चीज को ध्यान दे रहे हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, जो भी है वो सब आपके आसपास है, इसलिए आप रिलैक्स कर सकते हैं। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, पर आप वो पेड़ के उसमें ही बैठे हैं, छाया में। अब आप वो पेड़ ही समझिए कि आप वो पेड़ हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं वो पेड़ की तरह। क्या आपको समझ में आ रहा है आपको किसने उगाया था, कब उगाया था, कितनी साल से आप हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? हो सकता है आपके आसपास के जो पेड़ थे वो टूट गए, कट गए, तो आप कैसा फील कर रहे? अब समय आ गया है जब आपको ये पेड़ से अपने शरीर में वापस आना है, अपने आप को महसूस करना है। सो अब यू बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, जिस और जो पेड़ से आपने के साथ खड़ी थी, और अब आप वो पेड़ को बाय बाय करेंगे, थैंक यू करेंगे, क्योंकि उसने आपको इतनी नॉलेज दी, उसने आपको हवा दी, उसने आपको अच्छी ऑक्सीजन दी, उसने आपको छाया दी, उसने आपको एनर्जी दी, उसने आपको अपना समय दिया, उसने आपको अपनी सीख दी, अपनी समझ दी। आपको उसकी धरती के ऊपर बैठ के आपके सारे शरीर के अंदर सब चक्रास बैलेंस हो गए। सो अब आप धीरे से खड़े होंगे, और फिर वही जो जहां से आपने एंट्री की थी, वो जो क्यारी है जहां फूल उगे थे या फसल उगी थी, उसके थ्रू आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या जो जिस समय आपने वहां पे एंट्री की थी, उस समय कैसा तापमान था, उस समय किस तरह का क्लाइमेट था, किस तरह का वेदर था, और आज जब आप छोड़ के जा रहे हैं, आप जब वापस जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हो सकता है जब आप आए थे तो भीष्म गर्मी थी, अब आप जब जा रहे हैं तो शीतल हवा चल रही है। सो अब कैसा टेम्परेचर है, सीजन कैसा है, क्योंकि बहुत समय से आप वहां बैठे थे, ऋतुएं आई और ऋतुएं बदल गई, समय आया और समय चला गया। तो क्या आप वो फील कर सकते हैं, वो सन, वो एयर, वो ब्रीज? आपने क्या पहना था, आप क्या पहन के आए थे, आज आप क्या पहन के जा रहे हो? क्या वही आपका कपड़ा वैसा का वैसे ही है? क्या आवाजें अब आप सुन सकते हैं, क्योंकि अब आप वो ट्री के कॉन्शियसनेस से बाहर आ गए? हो सकता है आपको बर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही हो, आसपास के लोगों की आवाज सुनाई दे रही हो, हवा अलग तरह से हो रही हो, उसकी स्मेल कर सकते हैं आप। ग्राउंड जो है वो पथरीला हो गया हो, पहले मिट्टी थी, सूखी थी, अब दरदरी हो गई है या गीली है। क्या आपने पैर में पहना है, चप्पल पहनी है, तो क्या आप फील कर सकते हो वो जो धरती है? तो अपने सब आसपास अपनी नजर घुमाइए, कितने सारे पेड़ थे, पौधे थे। अब आप तक पहले तो आपकी अटेंशन इन पर नहीं गई थी, लेकिन आज आप वापस उस पे जब जा रहे हैं वापस, तो आपकी अटेंशन जा रही है। हो सकता है उसमें कोई फूल उगा हो जो आपको अब पसंद आ रहा है, जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया था जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, जब आप पेड़ तक गए थे, लेकिन आज जब आप वहां से वापस आ रहे हो तो आप वो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। और धीरे धीरे हो सकता है आपको कोई पत्ती ऐसा लगता है कि आप उसको खा लो, चबा लो, तो आप एक पत्ती तोड़ते हो, अपने मुंह में डालते हो, और उसका टेस्ट कैसा फील होता है? मीठा है, कड़वा है, मन चाह रहा है थूक दूं, मन चाह रहा है खा जाऊं, चबा जाऊं, या मन चाहता है एक और पत्ती को तोड़ के डालूं? तो जो भी आपको फील हो रहा है वो आप फील करिए, और कैसी एनर्जी फील हो रही है जब आपने वो पत्ते को खाया? क्या वो आपकी बॉडी को हील कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बॉडी उसको? और धीरे 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 आप अपनी
जब आप वो मेडो से बाहर आ गए हैं, वो जगह से आप बाहर आ गए हैं, ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस टू योर फिजिकल सेल्फ इन योर बॉडी एंड स्लोली स्लोली अपने हाथ पैर हिलाते हुए ओपन योर आईज, यू आर बैक टू योर सेल्फ। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू कैन कम बैक टू योर सेल्फ।